हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने और हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान जहां गुरुग्राम में 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे, तो वहीं हर जिले से उद्योग एसोसिएशन के लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दरअसल हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा था, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर हरियाणा के 8 लाख से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोजगार करने में सुविधा होगी और जहाँ जहाँ उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी एक डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया एक अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैनपावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से, जो वर्कर्स जो एजेंसीज ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी सपोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। इसमें कॉर्पोरेट संस्थानों में काफ़ी तरह के सुझाव दिए हैं, मुख्यतः कि जो हमारा डेटाबेस है हमारे पास युवाओं का, तो डेटाबेस का एक्सेस दे दे या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ टाई अप कर ले ताकि जो मैन पावर उनको प्रोवाइड की जाती है वो हमारे थ्रू अवेलेबल हो। इसमें उनके कई सारे फ़ायदे हैं और हमारे भी कई सारे फायदे हैं इसमें, कि हम एक कंपनी के तौर पे पिछले 1 साल भर में उभर के आए हैं। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक बड़े पारदर्शी तरीके से, बिना भेदभाव के, बिना किसी रिश्वत के, इस तरीके से मिले, तो वो हम पिछले साल भर से सरकारी संस्थानों में देते ही आ रहे हैं। और इसी तरह से हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके ही पेरोल पे हम शॉर्ट लिस्ट करके या फिर उनको डेटाबेस देकर, उनके इसी प्रकार से सुझाव आए कि हमें डेटाबेस का एक्सेस दे दिया जाए या हमें शॉर्ट लिस्ट करके दे दिया जाए या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए।